अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोग लेके आए हैं चिकन हांडी की रेसिपी, बड़े ही मजे की और बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी हमने आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन हांडी बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, उसके लिए यहाँ पर हमने आधी किलो जितना चिकन लिया है, जिसे हमने अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया है। एक कप जितनी हमने दही ली थी, इसे हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। दो हमने लार्ज साइज की प्याज ली थी, उसे हमने रफली चॉप कर लिया है। दो हमने लार्ज साइज के टमाटर लिए थे, उन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। चार आदत हमने हरी मिर्ची ली हैं, इन्हें हम चॉप नहीं करेंगे, हम इन्हें ऐसे ही यूज करेंगे। खड़े मसालों में यहाँ पर हमने दो तेज पात के पत्ते लिए हैं, चार से पांच हमने लौंग ली हैं, चार से पांच हमने छोटी इलायची ली हैं, चार से पांच हमने काली मिर्ची ली हैं और हाफ टी स्पून जितना हमने सफेद जीरा लिया है। पाउडर मसालों में जो हमें चीजें चाहिए, उसके लिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून फुल भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली है। आप चाहें तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून जितना हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून जितना हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून जितनी हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जितना हमने भुना और कुटा जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून जितना हमने सॉल्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी रेसिपी का नाम है चिकन हांडी, तो उसे हम मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। यहाँ पर हमने मिट्टी की हांडी ले ली है, इसे मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया है और हमने इसमें ऑयल डाल दिया है 1 कप। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। इसे गर्म हो देते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप इसे किसी भी कढ़ाई में या फिर किसी भी पॉट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब जो हमने अनियन को स्लाइस में काट के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो हमने उसमें अपनी जो अनियन को स्लाइस करके रखा था वो ऐड कर दिया। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे, वरना जो हमारी मिट्टी की हांडी है वो जल जाएगी। इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन से कलर की हो गई है। अब जो हमने खड़े मसाले आपको बताए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें जो हमने खड़े मसाले आपको बताए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इन्हें भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए हमारे ऑयल में। तो यहाँ पर हमारे मसाले भी हमारे ऑयल के साथ अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया है, इसका कच्चापन भी निकल गया है। अब जो हमने टमाटर और मिर्च जो ली थी हरी मिर्च, उन्हें जो हमने लेके रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हम ऑयल के साथ ही भून लेते हैं सभी चीजों के साथ। अभी हम बिल्कुल इन्हें इसी तरीके से पकने देंगे जब तक हमारे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट नहीं। यहाँ पर हमारे मसाले को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में जो हमने इसके अंदर टमाटर जो हरी ग्रीन चिली ऐड की थी वो अच्छी तरीके से टेंडर हो गई है, हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो हमने पाउडर्ड स्पाइसेस आपको मेंशन किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो रेड चिली पाउडर लेके रखा है वो ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और जितने भी तमाम मसाले हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो नॉर्मल रेड चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेड चिली पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें सही पाउडर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे एक बार बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अपने मसाले को भी सभी चीज़ों के साथ हम दोबारा से कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है वो बाकी सब चीज़ों में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे मसाले को भी हमने कुक कर लिया है अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर। अब जो हमने चिकन को लेके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो हमने चिकन को लेकर रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब हम चिकन के साथ इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों के साथ, कर लेते हैं इन्हें मिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम अपने सभी चीजों को चिकन के साथ मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1-2 बार और मिक्स कर लेंगे। आप हमने इसे चिकन में बनाया है, आप चाहें तो इसे मीट में या फिर मटन में ही बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने 1 कप दही लेके रखी है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें 1 कप जितनी दही ऐड कर दी है, दही को भी बिल्कुल इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम सभी मसालों के साथ। आप चाहें तो यहाँ पर क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, दही के साथ हमने ऐड नहीं की है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप जितना पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और हमारा चिकन अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पर हमने सिर्फ दही ऐड कर दी। दही ऐड करने के बाद हमने हाई फ्लेम पर इसे 1-2 मिनट के लिए कुक कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप जितना पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे से जले ना और जो हमारा चिकन है वो अंदर तक टेंडर हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसे मिक्स कर देते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसमें सभी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है सभी चीजों के साथ। अब हम इसकी लिड कवर कर देंगे और इसे बिल्कुल इसी तरीके से कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा चिकन कुक होकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमने मीडियम फ्लेम पे इसकी लिड कवर करके इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हमने कुक कर लिया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन टेंडर हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा चिकन टेंडर हो गया है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है। अब हम इसे इसी तरीके से कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप जितना कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। हमने यहाँ पर इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब हम इसे भी इसके साथ कुक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे हरे धनिया का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। अब इसकी हम लिड कवर करके इसे छोड़ देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारा चिकन कुक होकर बिल्कुल तैयार है। हमारा चिकन हांडी बड़ा मजेदार बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे हांडी में नहीं बना रहे हैं, आप इसे किसी भी पॉट या कढ़ाई में बना रहे हैं, तो आप एक चारकोल लें, उसे गैस पर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लें और उससे आप इसमें स्मोकी फ्लेवर दे दें, तो इसमें भी वही फ्लेवर आ जाएगा जो हमने इसे मिट्टी के हांडी में बनाया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसकी लिड कवर करके इसे छोड़ देते हैं इसकी स्टीम में ही, फिर करते हैं इसे डिश आउट। तो लीजिए, हमारा चिकन हांडी बनकर बिल्कुल तैयार है। बड़े ही मजे का बनकर ये तैयार हुआ है और जो इसके चिकन के पीसीस है वो अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये चिकन हांडी की रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, चैनल जायका दिल्ली के तरीके से बनाएं। हमारे डिशेज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।